औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु मक्सूदु। आइए इस्लाम की तरफ। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। ईद उल अज़हा करीब है। ईद उल अज़हा ज़िलहज्जा के महीने में चांद की 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक तकबीर तशरीक कही जाती है। हर फर्ज नमाज के बाद एक बार कहें या 3 बार कहना बेहतर है। बावाज़ बुलंद कहा जाता है। ये तकबीर तशरीक ये है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। एक बार फिर सुने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये हर फर्ज नमाज के बाद कहना अफजल है, बेहतर है। ये 9 तारीख अरफात के दिन नमाज फजर के बाद से 13वीं तारीख के असर तक एक तकबीर कही जाती है। हर पांचों वक्त की फर्ज नमाज के बाद। ज़िलहिज्जा में कुर्बानी कराना सबसे बेहतर है, इससे बेहतर कोई अमल नहीं। अल्लाह को सबसे बेहतर इस दिन कुर्बानी है, कुर्बानी से बेहतर कोई अमल नहीं है। जो साहिब निसाब है, जिन पर कुर्बानी फ़र्ज़ है, वो कुर्बानी करें और उसके बाद नमाज ईद उल अज़हा अदा करें। जो लोग हज पर गए हैं वो लब्बैक पढ़ेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये लब्बैक वो पढ़ेंगे 9 तारीख के मगरिब तक अरफा के दिन। उसके बाद से 10वीं तारीख से वो तकबीर तशरीक कहते हैं कुर्बानी के बाद से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये वहाँ सदा गूंजती रहती है वहाँ जो हाजी हैं लोग गए हैं। तो कुर्बानी का ये तरीका है, ये कुर्बानी करें और कुर्बानी बेहतर से बेहतर जानवर लाएं और बेहतर से बेहतर कुर्बानी के जानवर को भी दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु मग़फ़िरतुहु।